वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के महंत अवैधनाथ संगोष्ठी भवन में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध की ओर से समसामयिक परिदृश्य में एकात्म मानववाद विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगार परक शिक्षा प्रदान करे ताकि विद्यार्थियों को नौकरी का संकट न हो। पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना की जा रही है, क्योंकि पंडित जी का यही मकसद था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई है ताकि पठन पाठन गुणवत्ता पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि जब पढ़ाई होगी तभी नकल नहीं होगी, इसलिए इस पर जोर दिया जाए। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में नए कोर्स खोलने की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने कई सराहनीय कार्य किए हैं, इसलिए मैं हर संभव मदद विश्वविद्यालय को देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने शोध पर कहा कि शोध कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वह स्तरीय हो, शोध गंगा पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि पुराना भवन तो चल सकता है, मगर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम को पूर्वांचल विश्वविद्यालय लागू करे, सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी नीति है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इस शब्द को सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। मूर्ति का अनावरण करते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने किया। उन्होंने मूर्ति के अनावरण के बाद हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ निश्चित तौर पर एक नई दिशा देगी। उच्च शिक्षा मंत्री के साथ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजा राम यादव, नगर विकास मंत्री गिरीश शर्मा, सांसद रामचरित्र निषाद, डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह, कुल सचिव सुजय सवाल, भाजपा अध्यक्ष सुशील कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर मानस पांडे, प्रोफेसर अजय द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह, डॉक्टर मनोज पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान के सभागार में संगोष्ठी समसामयिक परिदृश्य में एकात्म मानववाद के द्वितीय सत्र में शोध प्रपत्र प्रस्तुतकरण और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में सलोनी सिंह, सुप्रिया श्रीवास्तव, अंबिका सिंह प्रथम, देवेश सिंह, आरती उपाध्याय एवं ईलू को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। फ्रंट न्यूज के लिए जौनपुर से जय सिंह की रिपोर्ट।